को आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज इंडिया टुडे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बता दी कि उत्तराखंड में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर रक्षा बंधन के दिन आज हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन उपवास रखा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर पार्क में मौन उपवास रखा, जिसमें सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक सुमित हृदयेश ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उसके बाद वह उपवास पर बैठे। उपवास के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के अंदर महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। राजधानी देहरादून में ही बेटियां सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से ISBT के पास नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना हुई है, उससे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो गई है। प्रदेश का कोई ऐसा जनपद नहीं है जहां रोजाना महिलाओं के साथ रेप और अत्याचार जैसी घटनाएं ना हो रही हो। गैंग श्रेणी में होने वाले विधानसभा सत्र में कांग्रेस पार्टी प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सदन में आवाज उठाएगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए भाजपा के राज में आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और भाजपा ने देवभूमि को कलंकित करने का काम किया है। लगातार पिछले 2 वर्ष में जनपदों के आप आंकड़े देखिए, बलात्कार, गैंगरेप, हत्याएं और डकैती, चोरी, ये आम घटना हो गई है और अपराधी बेखौफ है। पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है, एक गठजोड़ बन चुका है और कई सालों तक जनपदों में पुलिस अधिकारियों की तैनाती है। अगर कोई घटना घटती है तो उसकी जांच होनी चाहिए थी, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन स्पष्ट है कि सरकार का और अधिकारियों का अपराधियों का एक गठजोड़ बन चुका है, जिससे कि उत्तराखंड में आए दिन घटनाएं घट रही हैं। किस किस घटना का नाम लूँ, लगातार हरिद्वार है, भादराबाद है, अभी थाने के समीप ISBT में एक बेटी के साथ बलात्कार होता है और प्रशासन उसको दबाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ रुद्रपुर की घटना, अभी नर्स हमारी बहन थी, बेटी थी, उसके साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और चंपावत हो, चाहे पौड़ी हो, चाहे देहरादून में कई घटनाएं घटी हैं, हत्याएं हुई हैं, बलात्कार हुए हैं, चाहे आप थराली देखिए, चाहे पौड़ी देखिए, चाहे टिहरी देखिए, हर जनपद में एक बाढ़ सी आ गई है, लेकिन सरकार खामोश है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रही है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं, इनकी संलिप्तता ऐसे मामले में उजागर भी हुई है। जो सत्र में अगर बात की जाए, नहीं देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक विषय है कि नफरत जो समाज में फैलाने का वो प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं वो जब जड़ों में जहर डाला जाएगा तो पेड़ किस प्रकार से उगेगा, ये हमें देखने को साफ प्रतीत हो रहा है। हम अभी अगर देहरादून की बात करें, हम वहाँ पे रुद्रपुर की बात करें, चाहे देशव्यापी अगर हम बात करें, कोलकाता में जो हमारी बेटी के साथ हुआ, घोर विरोध हम इसका करते हैं। और वाकई में जो लोग संलिप्त हैं, जो गुनहगार हैं, सख्त से सजा की हम मांग रखते हैं। साथ ही साथ ये गूंगी बहरी सोई हुई सरकार, इसको जगाने का आज प्रयास उपवास के साथ करेंगे। सदन में जब विषय मिलेगा अवश्य कानून व्यवस्था पे पुरजोर तरीके से 20 के 20 हमारे विधायक गर्जेंगे। सदन के लिए समय